नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस एंड प्लान 1943 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस रखी फॉर द चीफ इंजीनियर्स ऑफ ऑल द स्टेट एंड प्रोविंस एट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस और इसमें फाइनलाइज हुआ फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर द कंट्री एज अ होल ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था टू प्रिपेयर कोऑर्डिनेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम दस फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान जो है वो फाइनलाइज़ हुआ 1943 से 1963 के बीच में मतलब ये ट्वेंटी ईयर्स के लिए फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान ट्वेंटी ईयर्स फर्स्ट ट्वेंटी ईयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान डिसाइड हो गया नागपुर में था ये इसलिए नागपुर में ये मीटिंग हुई थी इसलिए नागपुर रोड प्लान बोलते हैं इसको और इसमें टारगेट रोड लेंथ रखी गई 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द कंट्री ठीक है ये टारगेट लेंथ रखी गई और आ, ये प्लान डेवलपमेंट इसकी वजह से शुरू हो गई ऑफ वेरियस सेक्टर्स स्टार्टेड इन मोर सिस्टमेटिक मैनर आफ्टर फाइव ईयरस प्लान वॉज़ इम्प्लीमेंटेड फ़ाइव ईयर्स का जो प्लान है नाइनटीन फिफ्टी वन से नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के बीच में जब वो इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद प्लान डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टार्ट हो गई और ड्यूरिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान पीरियड्स रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज मोर सिस्टमेटिक टारगेट जो है वो अचीव कर लिया गया अबाउट टू ईयर्स अहेड मतलब दो साल पहले ही अचीव कर लिया गया 1963 में करना था 1961 में ही अचीव हो गया बट 1957 में एक मीटिंग रखी गई चीफ इंजीनियर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की और यहाँ पे डिसाइड हुआ एक प्रिपेयर हुआ सेकेंड ट्वेंटी ईयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान